महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले की अवहेलना करते हुए एक सेवानिवृत्त निजी सचिव उल्हास मुणगेकर को अवैध रूप से निजी सचिव पद पर सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त किया है। राज्यपाल के निजी सचिव का पद नियमित होता है और वर्ष 2016 के सरकारी आदेशानुसार इस पद पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति संभव नहीं है, जिसका भांडाफोड़ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया है। राजभवन में हुई कॉन्ट्रैक्ट पर हुई इस अवैध नियुक्ति का भांडाफोड़ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा करते ही अब उस नियुक्ति को निरस्त करने के बजाय राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोल दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को होने की राजभवन सचिवालय की धारणा है। अनिल गलगली ने दो बार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र भेजकर मांग की थी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति मुंगेकर को तत्काल निरस्त कर निजी सचिव जैसे नियमित पद को न्याय दिया जाए। राज्यपाल ने निजी सचिव पद नियमित था तथा शासनादिशा 2016 के अनुसार इस पद पर नियम के आधार पर नियुक्ति संभव नहीं है। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने जवाब देने के बजाय अवर सचिव जयराज चौधरी को जवाब देने की सूचना दी। इस पत्र में राजभवन सचिवालय का दावा है कि राज्यपाल आसानी से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम होने चाहिए। कार्यालय ने यह भी माना कि राज्यपाल को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकारियों का चयन करने का अधिकार है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री और राज्य मंत्री अपने कार्यालय से संबंधित विशिष्ट कार्यों के लिए अन्य राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के निजी अधिकारी और राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल आदि जैसे संवैधानिक निकायों के अधिकारियों को भी सेवानिवृत्ति पर उसी पद पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया जाता है। अनिल गलगली ने इस जवाब को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि धारणा पर नियम कानून कब से लागू हो गए। आम जनता से अपेक्षा की जाती है कि वह राजभवन सचिवालय द्वारा नियुक्ति के विषय को भावनात्मक बनाने के बजाय कानून के ढांचे के भीतर काम करके लिखित घटना का समर्थन करेगी। आइए जानते हैं इस पर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली जी का क्या कहना है। राजभवन सचिवालय मध्ये जे अधिकारी सेवानिवृत्त झाले होते त्यांची नियुक्ती शासन आदेश असताना सुद्धा चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली। खरं पाहिलं तर अशा अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे शक्य नाही। जेव्हा आम्ही माहिती अधिकाराचा वापर करून माहिती समोर आणली तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने 3 वेळा पत्र पाठवून राज्यपालांचे जे प्रधान सचिव आहेत त्यांना अनुपालन अहवाल पाठवण्याची विनंती केली। दुर्दैवाने अजूनपर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही। उलट राज्यपालांचे प्रधान सचिव यांनी थेट उत्तर देण्याऐवजी आपले जे अवर सचिव आहेत जयराज चौधरी यांच्यामार्फत एक उत्तर पाठवले आहे। त्यांनी असं स्पष्ट केलेलं आहे की जी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ती नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्यपाल महोदयांना आहे अशी त्यांच्या कार्यालयाची धारणा आहे। तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, इतर मंत्री, राज्यमंत्री हे जसे OSG नेमतात तशाच पद्धतीचे कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीवर आम्ही सुद्धा या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली आहे। त्यापुढे जात राजभवन सचिवालय असं सुद्धा म्हणतो की ज्या घटनात्मक संस्था आहेत राष्ट्रपती भवन, त्याशिवाय लोकसभा, राज्यसभा, विधिमंडळ येथे सुद्धा ज्या पद्धतीने करार पद्धतीने नियुक्त्या होतात त्याच धर्तीवरती नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। माझी एवढीच मागणी शासनाला की जो शासन आदेश आहे तो स्वतः माननीय राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे की जी नियमित पदं असतात त्या पदावर करार पद्धतीने नेमणूक होऊ शकत नाही। माननीय राज्यपाल महोदय हे ज्या पद्धतीची धारणेची गोष्ट करतात आपल्या कायद्यामध्ये, आपल्या नियमामध्ये धारणेला धारा नाही। जे नियम आहेत, जे कायदे आहेत संविधानाच्या चौकटीमध्ये राहून माननीय राज्यपालांनी अशा प्रकारची वर्तणूक करू नये एवढीच सर्वसामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा आहे। BRV न्यूज के लिए मनीषा जोशी की रिपोर्ट।